सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियां हमें खाने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उसका हम भरपूर इस्तेमाल करें, जिनमें सरसों का साग, पालक, बथुआ, मेथी, ये ख़ास ऐसी सब्जियां हैं जिनका नाम बहुत सुना जाता है और खाने में अच्छी भी लगती हैं। एक तो कारण ये है कि ये हीमोग्लोबिन लेवल को पूरा करती हैं, इसमें भरपूर आयरन की मात्रा होती है और भरपूर रफेज होता है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती और जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। तो इन सर्दियों में इन सारी चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। मैं आपको बताऊंगी इनके अलग अलग गुण क्या हैं। पालक और मेथी जो हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि मेथी जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं या जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए बेहद अच्छी है। और जो सरसों हैं वो भी अपने आप में कम्प्लीट एनर्जी देने वाला साग है, और इसके साथ भरपूर मात्रा में मक्खन का अगर सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां, जिन लोगों की मांसपेशियां वीक हैं, जिनकी मसल्स वीक हैं, उनको ताकत मिलती है और उनका शरीर पुष्ट होता है। तो इन सर्दियों में साग में पालक हो, मेथी हो या सरसों का साग हो, सभी की इंपॉर्टेंस को समझ के सभी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और इनकी गुणवत्ता को समझते हुए इनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इन सर्दियों में साथ इन सब्जियों को खाएं। साथ में मक्के की रोटी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका भी गुण बताती हूँ। मक्के भी खाने में गर्म होती है और कार्बोहाइड्रेट से फुल होती है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देती है और बहुत ताकत देती है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सुबह नाश्ते के वक्त या रात को सोते वक्त अगर सरसों की साग की सब्जी के साथ अगर मक्की की रोटी खाई जाए तो बेहद फ़ायदेमंद रहती है। मक्की की रोटी को हम और अलग तरीके से भी खा सकते हैं, जिसमें मूली डाल के बनाई जा सकती है, गाजर डाल के बनाई जा सकती है, ताकि आपका टेस्ट भी ठीक रहे और आपको कम्प्लीट रफेज भी मिले और आप सेहतमंद भी रहें।